कहाँ है ये सालिहा नाम की औरत? आज तो मैं उससे दो टोक बात करके ही जाऊंगी। आप आराम से बात करें, अंदर मेहमान है आपके। इधर क्या आंटी, मेरी बात सुने कहाँ? रुके, कौन लोग हैं? अच्छा हुआ है मेहमान आए हुए, अब तो अपनी बात मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। कौन है ये औरत? सालिया बहन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाने थी, लेकिन अच्छा है ना, मेरे यहाँ आने से इन बेचारों का भी कुछ भला हो जाएगा जो तुम्हारे फरेब के जाल में फंसने वाले। सालिया बहन, कौन है ये औरत? ये बस वो पड़ोस में रहती हैं। बस बंद करो, जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको यहाँ से, जाओ यहाँ से, दफा हो। प्लीज आंटी, प्लीज ना। खामोश हो। मैं इनकी बड़ी बेटी फरीन की सास हूँ। इनकी बेटी ने मुझ पे और मेरे बेटे पे झूठे इल्जाम लगाए और घर से सारा सामान और जेवर लेके अपनी माँ के घर भाग कर आ गई। बहुत ही कोई नीच लड़की है वो तो शुक्र है हमने तालाब देके उससे अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन पता चला है कि वो माँ के घर से भी भाग गई और अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है उसने। ये है इन लोगों की असलियत, जो इस वक्त पारसा का रूप धार करके ना अपनी बेटी का रोग आपको तोहफे में दे रही है। मैं तो कहती हूं बहन, बचाएं अपने बेटे को और दूर रखें इनकी बेटी से। क्यों झूठ बोल रही हो? हां, शर्म नहीं आती? झूठ बोल रही है ये, मैं बता रही हूं आप लोगों को, झूठ बोल रही है। जाओ यहां से। झूठ बोल रही हूं मैं? हां झूठ बोल रही हो। लेके जाओ इन्हें यहां से, निकलो यहां से, जाओ, छोड़ कर उसको। सुने आंटी, प्लीज प्लीज प्लीज, झूठ बोल रही है ये, बस ऐसी पागल सी है।